और हमारे साथ विनोद बंसल भी जुड़ गए हैं, जो वीएचपी नेता है। विनोद जी, शिवलिंग मिलने की बात सामने आई है, लेकिन इस वक्त हम ओबीसी को भी देख रहे हैं, क्योंकि उनकी खबर हमने चलाई है। उनका कहना है कि कयामत तक ये मस्जिद ही रहेगी। अब इन सब लोगों की कयामत आने वाली है जी, कुल मिला के दे आर इन्वाइटिंग देयर कयामत देमसेल्फ। अब सीधी सी बात है कि देखिए, सत्य के अन्वेषण से पहले घबरा रहे थे, रोक रहे थे, उसको बाधा पहुंचा रहे थे। आज जब सत्य एक्सपोज हो गया तो ये हारे हुए कयामत की तरफ मुख कर रहे हैं। आप मुझे बताइए कि मस्जिद थी, मस्जिद है, मस्जिद रहेगी, इस तरह की बातें करने का क्या लाभ है भाई? जो आप एक तो ये कहते हैं अपने आप को मैं एडवोकेट हूँ, दूसरा सांसद हैं, तीसरा बार बार दुहाई देते हैं संविधान की, कानून की, और सबसे ज्यादा काम करते हैं पार्टी का नाम है मुसलमान, और ऊपर से बात करते हैं मुसलमानों को भड़काने की। ये जो काम है इनके, इनके चाल चरित्र चेहरा सब कुछ एक्सपोज हो गया है। आज ओबीसी जैसे नेताओं के ऊपर काली पुत गई है जी। इनको बजाय इसके कि अनर्गल प्रलाप करने के, आप सीधा सीधा माफी मांग लेनी चाहिए देश की जनता से कि हम जिस तरह से बहुत बड़ा पाप कर रहे थे, हिंदू समाज के साथ में जो दुर्व्यवहार कर रहे थे, उनकी आस्था पर चोट पहुंचा रहे थे, उनको लेकर के उनको भी माफी मांगनी चाहिए। और इंस्टेंट तब उसके अलावा उसके विपरीत ये लोग उनको विनोद जी आपकी बात जो बिल्कुल आप तो बोल रहे हैं पॉइंट, लेकिन आपको जरा सुनाते हैं कि असदुद्दीन ओवैसी ने और बयान में क्या कहा, फिर आपसे हम जानेंगे और आपसे उनका रिएक्शन भी लेंगे जो असदुद्दीन ओवैसी ने अपने बयान में किया, उनको भी जरा सुनिए आप, और दर्शक आप भी जरा सुनिए। जब मैं 20, 19, 20, 21 साल का था तो बाबरी मस्जिद को मुझसे छीन लिया गया। अब हम वही 19-20 साल के बच्चों की कि आंखों के सामने दोबारा मस्जिद को नहीं खोएंगे इंशाअल्लाह ताला। क्या आप तमाम लोग अहद लेते हैं कि हम कोई मस्जिद को नहीं खोएंगे? क्या आप अहद लेते हैं कि अब हम कोई मस्जिद को नहीं खोएंगे? तो अगर अहद लेते हैं तो हाथ उठा कर कहिए नारे तकबीर, नारे तकबीर। इनको पैगाम मिलना चाहिए, मस्जिद को अब हम नहीं खोएंगे। तुम्हारे दिल फरेब और हथकंडों से हम जान चुके तुम्हारे हथकंडों को, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हदीस शरीफ है कि मोमिन वो है जो दो बार एक सुराख से नहीं डसा जाता। अब हम दोबारा नहीं इनको डसने देंगे। मस्जिद है और रहेगी इंशाअल्लाह ताला सुबह कयामत तक। ज्ञानवापी मस्जिद मस्जिद थी, और जब तक अल्लाह दुनिया को कायम रखेगा मस्जिद रहेगी इंशाअल्लाह ताला। और हमारा काम यह है कि हम अपने मस्जिदों को आबाद रखें। हमारी भी जिम्मेदारी है कि रमजान हो गया तो मस्जिद के दरो दीवार तरसती है कि कहां गए वो लोग जो रमजान के 30 दिन अल्लाह के घर में आकर सर्वसजूद हो रहे थे। तो याद रखो, मस्जिदों की हिफाजत पहले हमको अपनी महलों की मस्जिदों को आबाद रख के रखना। असदुद्दीन ओवैसी को आप सुन रहे थे। कोर्ट से पूरा फैसला आ चुका है, स्थिति स्पष्ट हो चुकी है, उसके बाद भी कई गंभीर आरोप उन्होंने लगाए और साथ ही उन्होंने कहा कि हम इस तरह की परिस्थितियों को दोहराने नहीं देंगे। क्या असदुद्दीन ओवैसी लगातार सुप्रीम कोर्ट का जिक्र करते हुए, यानी कि अयोध्या का जिक्र करते हुए उनके कोर्ट का माना तो नहीं करते हैं, लेकिन उनका जो बयान है उससे कहीं ना कहीं एक बिल्कुल साफ है कि पॉलिटिक्स